महिंद्रा स्कॉर्पियो, कौन नहीं जानता इस गाड़ी को और कौन पसंद नहीं करता इस गाड़ी को। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में इस गाड़ी में बैठा ही नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये बोलता हुआ मिलेगा कि स्कॉर्पियो से अच्छी नहीं लगती। इस कदर ये गाड़ी हम इंडियंस से अटैच्ड है, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में, वो आप लोगों को नहीं पता होगी। सबसे पहला और सबसे कॉमन फैक्ट है कि इस गाड़ी को इंडिया में 2002 में लॉन्च किया गया था, मतलब कि थोड़ा बहुत समय नहीं, लगभग 19 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च हुए। उस समय पर इस गाड़ी को सिर्फ 5.5 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हो कितना अंतर आ चुका है चीज़ों में। आज के टाइम पर 5.5 लाख रुपए में तो सिर्फ ऑल्टो मिल पा रही है। अगर आज के प्राइसेस देखे जाएं तो 19 सालों में स्कॉर्पियो 3 गुना हो चुकी है। करीब करीब 13.25 लाख रुपए से शुरू होकर 17.5 लाख रुपए तक की मिलती है। सेकंड फैक्ट काफी मजेदार है, जो शायद ही आप में से किसी को पता हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं किया करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के पार्ट्स को असेंबल करके गाड़ी बना दिया करती थी। लेकिन एक समय तक असेंबलिंग करते करते इन लोगों ने फैसला लिया कि अब खुद की गाड़ी बनाएंगे, और वहीं से स्कॉर्पियो की कहानी शुरू होती है। फैसला तो ले लिया, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए थी उसमें ये 0/0 थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ गाड़ियों के पार्ट्स ही तो जोड़े थे। तब जाकर इन लोगों ने अपनी भारतीय शक्ति मतलब कि जुगाड़ का इस्तेमाल करा और सिर्फ डिज़ाइन और कंसेप्ट को सप्लायर्स को बता दिया, बाकी सब कुछ सप्लायर्स ने करा, जैसे कि इंजीनियरिंग हो, टेस्टिंग हो, वैलिडेशन हो या फिर मटेरियल सिलेक्शन हो, सब कुछ सप्लायर्स ने ही किया। बाद में जब पार्ट्स बनके तैयार हो गए तो महिंद्रा ने हमेशा की तरह उनको असेंबल किया और प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। महिंद्रा ने AVL ऑस्ट्रिया और जापान के भी कुछ कंसल्टेंट्स की मदद ली, तब जाकर कहीं 4 साल में स्कॉर्पियो बनकर तैयार हो पाई। हालांकि जितनी आसानी से मैंने ये सब कुछ कह दिया, उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी देसी गाड़ी को इंडिया और UK में डिज़ाइन किया गया है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, सीट्स को इटली में बनाया गया है, पैनल्स को स्वीडन में बनाया गया है और बॉडी को कोरिया में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने तो बस एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है जिसको हम 2 मिनट में बता देते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है ये तो उसको बनाने वाला ही जानता है। तो स्कॉर्पियो महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी है जो उन्होंने खुद बनाई थी, ना कि असेंबल की थी। तीसरा फैक्ट, हम में से लगभग हर किसी को ये लगता है कि स्कॉर्पियो को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया गया है। आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि मैं महीने भर का कितना कमा लेता हूँ यूट्यूब से या बाकी किसी भी चीज़ से। मैं जितना भी कमाता हूँ, लेकिन मेरे महीने भर के जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फ्यूल एक्सपेंस, रेंट या फिर इंस्टॉलमेंट, ये सारे खर्चे मैं ट्रेडिंग करके निकालता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए मुझे सबसे अच्छी ऐप लगती है AlimTrade। 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। एक दोस्त ने मुझे रेफर करी थी, जिसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इस तरह की कई सारी ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐप्स फेक हैं। AlimTrade पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। मैं इस ऐप को पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, हर दिन का ठीक ठाक मैं कमा लेता हूँ। पिछले एक हफ्ते में मैंने लगभग 700 रुपये से 3500 रुपये तक कमाए, और ये बहुत आसान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि AlimTrade ऐप क्यों बेस्ट है और ये काम किस तरह से करती है। कुछ इस तरह की दिखती है ऐप। यहाँ पर ऊपर एसेट्स दिए गए हैं जिनमें से आप कोई भी चूज करके आगे बढ़ सकते हो। एसेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल्स भी दिए गए हैं जो आपकी मदद करते हैं यह जानने में कि एसेट्स ऊपर जाएंगे या फिर नीचे। ये आपकी मदद करते हैं प्रेडिक्शन करने में और पैसे अर्न करने में। ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, आपको बस इतना प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो ग्रीन बटन प्रेस करना है, और लगता है कि नीचे जाएगा तो आपको रेड बटन प्रेस करना है। तो अभी मैं ट्रेड स्टार्ट करता 200 रुपीज में इन्वेस्ट करने वाला हूं। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने ग्रीन बटन को प्रेस कर दिया है और ये ट्रेड चालू हो चुकी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखिए, मैंने कुछ पैसे अर्न कर लिए हैं, मेरा बैलेंस बढ़ चुका है। मैं डिटेल आपको दिखाता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 164 रुपीज मैंने अर्न किए हैं आपके ही सामने। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि ट्रेडिंग के दौरान अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप पैसा अर्न करते हो, लेकिन किसी वजह से अगर लॉस हो भी जाता है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है। इस ऐप पर जितना आसान पैसे अर्न करना है उतना ही आसान पैसे डिपॉजिट करना भी है। आप अपनी UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड ASY30 यूज़ करते हैं तो आपको 30% का बोनस भी मिलता है डिपॉजिट पर। मतलब कि अगर आप 700 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 210 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं बिल्कुल फ्री।
और इतना ही आसान पैसे विड्रॉ करना भी, आपको सिंपली कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, और रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। कुछ ही समय में आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 30% का बोनस मिलता है डिपॉजिट पर। मतलब अगर आप 700 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 210 रुपए फ्री में मिल जाते हैं। जितनी ज्यादा डील्स आप करते हो उतने ज्यादा एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं, उतनी ज्यादा रिस्क फ्री ट्रेड्स मिलती हैं और उतनी ज्यादा बोनस मिलता है डिपॉजिट पर। इसलिए बिना मौका गवाए अभी की अभी लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप मेरा प्रोमो कोड ASY30 यूज करते हैं तो आपको 30% का बोनस भी मिलता है। अगर आप एडिशनल अर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग सिग्नल्स कैसे यूज करते हैं। तीसरा फैक्ट, हम में से लगभग हर किसी को यह लगता है कि स्कॉर्पियो को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया गया है, इसे इंडिया में ही खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत से ही स्कॉर्पियो महिंद्रा का एक ग्लोबल प्रोडक्ट रहा है पूरी दुनिया में बेचने और खरीदने के लिए। महिंद्रा इस गाड़ी को लेटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में भी बेचता है। यूरोप में इस गाड़ी को महिंद्रा गोवा के नाम से बेचा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी का जो पिकअप वर्जन है, जिसे इंडिया में गेटअवे के नाम से जाना जाता है, उसे बेचा जा रहा है 2009 से। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका नाम बोलने में जुबान उल्टी हो जाती है, जैसे कि यूरुग्वे, इसके अलावा इजिप्ट, इन जगहों पर इस गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाता है। हालांकि ये गाड़ी इंडिया में जितनी चली, जितनी पसंद की गई, इतनी किसी और देश में पसंद नहीं की गई। फोर्थ फैक्ट, आप लोगों को लगता होगा कि यार इतनी जबरदस्त गाड़ी है, इतना नाम कमाया है, तो इस गाड़ी को बनाने के पीछे बहुत सारा दिमाग लगाया गया होगा, बहुत मेहनत की गई होगी, लेकिन असल में यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। स्कॉर्पियो को बनाने के लिए सिर्फ 23 इंजीनियर्स ही काम कर रहे थे, जबकि आमतौर पर किसी नई गाड़ी को बनाने के लिए काफी ज्यादा संख्या में इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं। इससे महिंद्रा को फायदा ये हुआ कि समय भले ही लग गया, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा जितना कि आमतौर पर एक नए प्रोडक्ट को बनाने में लग जाता है। चाहे इस गाड़ी की डिजाइनिंग हो या कंप्लीट डेवलपमेंट या फिर नासिक की फैक्ट्री का अपग्रेडेशन, पूरा का पूरा खर्चा टोटल मिलाकर 550 करोड़ रुपए का है लगभग, जिसमें स्कॉर्पियो बनकर तैयार हो गई थी। पांचवा फैक्ट है जिसको शायद आप में से काफी सारे लोग पहले से जानते होंगे कि स्कॉर्पियो में चाहे लाख अच्छाइयां क्यों ना हो, लेकिन एक भारी कमी थी, ये फुदकती बहुत थी। हालांकि आज की स्कॉर्पियो भी काफी उचक-उचक कर चलती है, लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की बात की जाए तो उसमें जो रियर सस्पेंशन था वहां पर लीफ स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी काफी बम्पी थी। मतलब कि जो पैसेंजर्स इस गाड़ी के अंदर बैठा करते थे वो हल्के फुल्के दचकों में ही काफी उचक जाया करते थे, ये रोड से चिपक कर नहीं चलती थी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया था वो प्रॉपर देसी गाड़ियों में किया जाता था। लेकिन बीतते समय के साथ में महिंद्रा ने इसके सस्पेंशन को मॉडर्नाइज कर दिया है। हालांकि अभी भी बम्पी राइड वाला इफेक्ट पूरी तरह से गया नहीं है। छठवां फैक्ट है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है। आंख बंद करके आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओगे तो पेट्रोल भरने वाला आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आपकी गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है, वो सीधे सीधे डीजल भर देता है, क्योंकि हर किसी को पता है स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है। लेकिन असल में ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन भी आया करता था, और वो भी रेनो वालों का। इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करता था जो लगभग 116 BHP की पावर जनरेट करता था और 187 Nm का टॉर्क। लेकिन पेट्रोल इंजन में माइलेज काफी खराब होने की वजह से लोगों ने इस गाड़ी को रिस्पॉन्स नहीं दिया, और समय के साथ महिंद्रा ने इसके पेट्रोल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया, और यही वजह है कि इस गाड़ी की पहचान सिर्फ डीजल इंजन के तौर पर ही बनी रह गई। सेवंथ फैक्ट, आप में से शायद ही किसी को पता हो कि महिंद्रा ऑफिशियली अपनी ही गाड़ियों को मॉडिफाई करके कस्टमर्स को देता है उनकी डिमांड पर, और इसके लिए इन लोगों ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट महिंद्रा कस्टमाइजेशन बनाया हुआ भी है। खास बात यह है कि स्कॉर्पियो पहली गाड़ी थी जिसे महिंद्रा ने कस्टमाइज करके कस्टमर्स को ऑफर किया था। हालांकि ये कस्टमाइजेशन वाला कंसेप्ट इनका चला नहीं, और अब आकर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देखोगे तो वो वेबसाइट भी खुलती ही 15-20 मिनट में है। एट्थ फैक्ट, स्कॉर्पियो बस यूं ही लोगों को पसंद नहीं है, 7.5 लाख से भी ज्यादा स्कॉर्पियो अभी तक इंडिया में बस यूं ही नहीं बिक गई। ये गाड़ी उन कुछ SUVs में से एक है जिन्होंने इंडिया में SUVs का कल्चर लाया। इतना ही नहीं, कई सारे नए ट्रेंड्स स्कॉर्पियो ने सेट करे, जैसे कि 2007 के पहले तक किसी भी SUV को एक रफ एंड टफ इमेज के लिए जाना पहचाना जाता था, ना कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के लिए। लेकिन 2007 से महिंद्रा ने नई कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स को ऐड करके इस परिभाषा को बदल दिया, तो अब लोगों को रफ एंड टफ SUV विद फीचर्स मिलने लगी थी, तो इसकी बिक्री में और चार चांद लग गए।
2008 में बजट एसयूवीज में से स्कॉर्पियो ऐसी पहली थी जिसके डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने लगा। इसके अलावा 2008 में ही महिंद्रा इस गाड़ी में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मतलब कि इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी देने लगी, जिसकी मदद से इसके माइलेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो एक ट्रू एसयूवी थी, ना कि बाकियों की तरह एक स्यूडो एसयूवी, क्योंकि इस गाड़ी में 4x2 के साथ साथ 4x4 का ऑप्शन भी मिला करता था। तो ये गाड़ी दिखने में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि इसमें पैकेज भी काफी जबरदस्त मिला करता था। 9th फैक्ट, जब भी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छी सेल्स दिखाता है तो कंपनी लगातार उसमें कोई ना कोई चेंज करती रहती है ताकि उसकी सेल्स को और बूस्ट किया जा सके। लेकिन महिंद्रा ने इस मामले में कोई खास चेंजेस इस गाड़ी में नहीं किए, शायद ये सोचकर कि कहीं चेंज के बाद इसकी बिक्री पर कोई असर ना पड़ जाए। 2002 में ये लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अभी तक इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि तब से लेकर अब तक इसके 4 फेसलिफ्ट मार्केट में जरूर लॉन्च हो चुके हैं, समय समय पर इसमें चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए नेक्स्ट जनरेशन की तो लगभग 19 साल हो चुके हैं इसको धरती पर, अभी तक इसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई है। हाल फिलहाल की खबरों की माने तो अगले साल 2022 के मिड तक इसकी नेक्स्ट जनरेशन होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि 2022 के आखिर तक, और हो सकता है कि 2023 तक भी इसका लॉन्च चले जाए। 10th फैक्ट, हम में से लगभग हर कोई जानता है और हम हर जगह ये बात बोलते भी हैं कि स्कॉर्पियो ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 0 स्टार्स स्कोर किए थे, लेकिन इस बात को जानते हुए भी कोई कहीं नहीं बोलता, या हो सकता है कोई जानता ही ना हो कि जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP में किया गया था उस वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर सिर्फ सीट बेल्ट्स थी। उसमें एक सिंगल एयरबैग नहीं था, ABS नहीं था, EBD नहीं था, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, रोल डिमिटर जैसे फीचर्स तो बहुत दूर की बात है। अब बिना सेफ्टी फीचर्स के आप किसी भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करोगे तो वो 0 स्टार्स ही स्कोर करेगी। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि इसी महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ANCAP क्रैश टेस्ट में 3 out of 5 स्टार्स स्कोर किए हुए हैं। जिस स्कॉर्पियो का वहां पर क्रैश टेस्ट किया गया था वो स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन था और उसमें सेफ्टी के नाम पर डुअल एयरबैग्स और ABS जैसे फीचर्स दिए गए थे। और अब यही सारे फीचर्स इंडिया में हर किसी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में भी स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो ये थे स्कॉर्पियो के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। अगर आप इसके अलावा भी कोई ऐसा खास फैक्ट इस गाड़ी के बारे में जानते हैं तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।